जैसे कि हमने देखा कि गूगल कीवर्ड प्लानर टूल गूगल एड्स का एक हिस्सा है, हमने गूगल एड्स का अकाउंट तो बना लिया, लेकिन अब इस वीडियो में हम उस मैजिक टूल की बात करेंगे जो आपको ये जादू से बताता है कि आप कौन सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कौन से बिज़नेस में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो कीवर्ड टूल उसमें क्या क्या है और वो कैसे कैसे चलता है। जब आप गूगल एड्स में लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये स्क्रीन दोबारा नज़र आएगी। इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें आपको टूल्स की ऑप्शन मिलेगी। जब आप टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी कॉलम्स मिलेंगे उसके अंदर। उसमें पहला कॉलम है प्लानिंग का। आपने प्लानिंग के कॉलम में जो पहली ऑप्शन है वो है कीवर्ड प्लानर की, उस पर क्लिक करना है। और याद रखें कि बाकी ऑप्शंस हमसे रिलेटेड नहीं है, ये SEO से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, सो आपने वो सारी चीज़ें इग्नोर करनी है। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन दिखाएगा जिसमें वो ये पूछेगा कि आपको क्या नए कीवर्ड्स ढूंढने हैं या आपको सर्च वॉल्यूम या फोरकास्ट करनी है अगर आप कैंपेन चलाने लगे हैं। अब चूंकि हमने कैंपेन नहीं चलानी तो हम पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप जाएंगे फाइंड न्यू कीवर्ड्स। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने क्या सर्च करना है। अब ये वो सर्च है जो बेसिकली आपसे बिजनेस से रिलेटेड है। आपका बिजनेस क्या है आप उसी के बारे में कीवर्ड लिखेंगे ताकि आप ये जान सकें कि आपके बिजनेस के बारे में लोग क्या सर्च करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप के लिए अगर एक बंदा मोबाइल्स बेचता है या मोबाइल की एक्सेसरीज बेचता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि लोग मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट क्या सर्च करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लोग पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट क्या सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा मोबाइल फ़ोन्स, और जैसे मोबाइल फ़ोन लिखूँगा उसके साथ मैं इसको एंटर प्रेस कर दूँगा। अभी उसने इसको एज अ सजेशन रख लिया है, इसका मतलब ये है कि मैं मज़ीद इसमें कीवर्ड्स एंटर कर सकता हूँ। लेकिन एक आसान और अच्छी बात ये है कि आप इसको एक कीवर्ड एक वक्त में यूज़ करें, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये सर्च रिज़ल्ट किस कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। सो बेहतर रिजल्ट्स के लिए कोशिश करें कि एक वक्त में एक कीवर्ड सर्च करें ताकि आपका डेटा जो है वो फिल्टर्ड रहे और आपको बड़ा फोकस डेटा मिले कि जब आपने मोबाइल फ़ोन सर्च किया तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले और जब आप कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप दो कीवर्ड इकट्ठे सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये क्लैरिफाई ना हो कि कौन सा कीवर्ड किस कीवर्ड की सर्च के अगेंस्ट रिजल्ट में आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिजल्ट्स में कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं और इस कीवर्ड प्लान विंडो के अंदर जो भी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि उसने लोकेशन जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट की है। आप टॉप लेफ्ट पर देखेंगे जो लोकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सर्च की है, क्योंकि हमारा अकाउंट पाकिस्तान का था तो उसको ये लगा कि हमने पाकिस्तान के लिए कीवर्ड सर्च किया है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए किसी दूसरे मुल्क में मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क में रैंक करना चाह रहे हैं तो आप उस मुल्क के गूगल के लिए उस मुल्क को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, सो तभी आपको उस कंट्री की प्रॉपर सर्चेज मिलेंगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोबाइल फ़ोन सर्चेज पाकिस्तान में और मोबाइल फ़ोन सर्चेज अमेरिका में सेम हो जाएँ। तो अमेरिका में जितने लोग मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं वो डिफरेंट है और पाकिस्तान में जितने लोग मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं वो डिफरेंट डेटा है और इन डेटा को मर्ज नहीं किया जा सकता। सो अगर आपने अपनी वेबसाइट पाकिस्तान में बनाई है तो आप पाकिस्तान में जाकर अपना कीवर्ड सर्च करेंगे, और अगर आपने अपनी वेबसाइट किसी और मुल्क में बनाई है या किसी और मुल्क के लिए बनाई है तो आप उस मुल्क के कंट्री के अंदर जाकर आप उधर से कीवर्ड सर्च करेंगे ताकि आपको ये डेटा उस कंट्री का मिले, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि वो उस मुल्क के लोग कितने लोग हैं जो वो पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसको पाकिस्तान ही रखूँगा, जिसमें अंदाज़न मुझे ये बताता है कि पाकिस्तान में जो मेरी रीच है वो 19.5 मिलियन पाकिस्तान में रीच है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये कीवर्ड पाकिस्तान में मुझे शायद 19.5 मिलियन लोगों तक पहुंचा सकता है। चूँकि हमने ऐड नहीं चलाना तो इस बात को भी हम इग्नोर करेंगे और हम आगे चलते हैं। दूसरी ऑप्शन है लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट की है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज अवेलेबल हैं और इसमें उर्दू भी अवेलेबल है। तो याद रखिएगा जिस कीवर्ड जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे सर्चेस उसी लैंग्वेज में ही ढूंढी जाएंगी। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मोबाइल फ़ोन इंग्लिश में लिख रहे हैं और आप लैंग्वेज उर्दू में रख रहे हैं। तो उर्दू में अगर आप लैंग्वेज रखेंगे तो आप टाइप भी उर्दू में ही करेंगे।
तो फिलहाल हम इसको इंग्लिश में ही रहने देंगे। और तीसरी ऑप्शन है सर्च नेटवर्क्स की। सर्च नेटवर्क्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल अपने ही नेटवर्क से, यानी कि अपने गूगल के प्लेटफॉर्म से आपको रिजल्ट देगा। लेकिन गूगल के बहुत सारे पार्टनर्स भी होते हैं जो गूगल का सर्च इंजन अपनी वेबसाइट से लगाते हैं। तो अगर आपको डेटा वसी करना है, अगर आपको डेटा की रीच वसी करनी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल प्लस गूगल पार्टनर्स की ऑप्शन सेलेक्ट करके आप मजीद डेटा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अमूमन गूगल का डेटा काफ़ी होता है, या गूगल का डेटा बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ करती हैं जिसमें वो उनको सही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो उसको फ़िलहाल हम गूगल ही रखेंगे। तो आगे चल के अगर आप देखें तो नीचे आपको कुछ कॉलम नज़र आ रहे हैं। इस कॉलम को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कॉलम आपको मिलेगा जिसका नाम कीवर्ड्स हैं। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल में लोग सर्च करते हैं। तो इसको आप सर्च क्वेरीज कह लें, कीवर्ड्स कह लें, या वो वर्ड्स कह लें जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, जो लोग टाइप करते हैं कुछ भी ढूंढने के लिए। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि लोग क्या टाइप करते हैं। और ये वो ख़जाना है जिसकी हमने पहले बात की थी कि गूगल आपको पहले से बता देता है कि आपके कीवर्ड्स की कितनी डिमांड है या आपकी प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है। ये डेटा आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, यानी कि आप अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो भी, और अगर आप एज अ मार्केटर किसी बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं तो भी आपके लिए डेटा बहुत वैल्यूएबल है। पहला कॉलम तो कीवर्ड्स का हुआ। सेकंड कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेस। एवरेज मंथली सर्चेस का मतलब ये है कि गूगल आपको ये बता रहा है कि एवरेज कितनी है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की मंथली सर्चेस पे। अभी एवरेज सर्च करने के लिए हमें ये भी देखना है कि हमने टाइमलाइन कितनी रखी है उसकी। अगर आप टॉप राइट पे देखेंगे तो आपको गूगल की टाइमलाइन मिल रही होगी कि आपने जो डेटा सर्च किया है वो कितनी देर का है। तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने 12 महीने सेलेक्ट किया हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल फ़ोन जो कि हमारा पहला कीवर्ड है, वो पिछले 12 महीनों में औसतन हर महीने 10,000 से 1,00,000 दफ़ा सर्च हो रहा है। सो इसी तरह से अगर आप नीचे वाला कीवर्ड देखें तो सेल फोन पिछले 12 महीनों में ऑन एवरेज पर मंथ 1,000 से 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है। तो ये सर्चिज़ हैं, ये वो सर्चिज़ हैं कि कितनी दफ़ा लोग सर्च करते हैं। अब ये सर्चिज़ डेटा गूगल की डेटाबेस से आता है, और गूगल कभी भी आपको स्पेसिफिक सर्चिज नहीं बताता कि कितनी दफ़ा ये सर्च हुआ। गूगल आपको रेंज देता है, जिस तरह से यहाँ पर आपको मिल रही है कि 1,000 से 10,000 या 10,000 से 1,00,000, ये वो रेंज है जिसकी वजह से गूगल अपने डेटा को सिक्योर करना चाहता है ताकि कोई और उसका डेटा चोरी ना करे। लेकिन हम मार्केटर्स को इसको देख कर ये समझ ज़रूर आ सकती है कि मोबाइल फ़ोन जो वर्ड है वो 10,000 से 1,00,000 दफ़ा सर्च हुआ है, वो उससे बेहतर है जो कि सेल फोन है जो कि 1,000 से 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है। तो जब हम डिसाइड करेंगे कि हमने अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम सेल फोन रख रहे हैं तो सेल फोन के वर्ड्स से बेहतर है कि हम मोबाइल फ़ोन रख लें। तो अगर आप किसी शॉप का नाम उस्मान मोबाइल फ़ोन या उस्मान सेल फोन रखना चाहते हैं तो दोनों में से जो बेहतर वर्ड होगा वो उस्मान मोबाइल फ़ोन होगा, क्योंकि लोग मोबाइल फ़ोन ज़्यादा सर्च करते हैं सेल फोन से। तो ये एक मिसाल है जिस तरह से आपको ये कीवर्ड हेल्प करता है कि आप अपनी मार्केटिंग किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन। और कंपटीशन के अलावा जो एड इम्प्रेशन जो बाकी 3-4 कॉलम्स हैं, वो सारे के सारे कॉलम्स मोस्टली रिलेटेड हैं गूगल एड्स के साथ। अब चूंकि हम गूगल एड्स रन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनसे क्या फ़ायदा है हमारे लिए। SEO की हद तक कीवर्ड्स और उनकी सर्चिज ज़्यादा मैटर करती हैं, उसके बाद जो डेटा है वो उन लोगों के लिए मैटर करता है जो गूगल पे एड्स रन करना चाहते हैं। सो कंपटीशन का कॉलम आपको ये बताता है कि उस एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं। सो अगर आपका कभी दिल करे कि आपने इस पे ऐड रन करना है गूगल एड्स के थ्रू, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रहे हैं। और इससे ये भी पता चल जाता है कि मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग उसके ऊपर ऐड रन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़े, या हो सकता है कि आपको जगह ऊपर ना मिले, और अगर ऊपर जगह लेनी है तो आपको ऐड बेहतरीन होना चाहिए ताकि आप दूसरे ऐड से ऊपर आ सकें। और इससे ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि मे बी बाकी लोगों को ये पता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कोई सेल नहीं होती, या जो ये वर्ड सर्च करते हैं वो अल्टीमेटली बाय नहीं करते हैं वेबसाइट से, तो वो डेटा उस पर वो ऐड चलाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको भी इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस पर ऐड चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। एनीवेज आगे मूव करते हैं ऐड इम्प्रेशन शेयर। ये गूगल का एक और मैट्रिक है कि वो ये बताता है कि किस कीवर्ड पे आपको कितना इम्प्रेशन मिल सकता है ऐड के ऊपर। लेकिन चूंकि अभी फिलहाल ये ब्लैंक आ रहा है, ये हमने अभी कैंपेन डिज़ाइन नहीं की है, इसीलिए ये ब्लैंक डेटा दिखा रहा है। आपने इसको इग्नोर करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करता है।
इसके बाद जो आखिरी दो कॉलम्स हैं वो बिड के हैं। गूगल आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बिड्स बताता है कि आपको अगर एड रन करना है किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर तो आप कम से कम कितने पैसे देंगे या आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। सो ये बिडिंग का जो प्रोसेस है, जो बोली का प्रोसेस कहलाता है, ये बोली लगती है एड्स के ऊपर और गूगल ये डिसाइड करता है कि कौन ज़्यादा अच्छा ऐड चला रहा है और कौन ज़्यादा पैसे देने पर रजामंद है और उसको कितने ऊपर दिखाना है। सो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बिडिंग है, लेकिन ये यूज़र को कम से कम इस कदर एजुकेट कर देती है कि आपको अगर इस पे ऐड रन करना है आपको कम से कम कितने पैसे देने पड़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे दे सकेंगे इसके लिए। ये गूगल एजुकेट करता है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आपने ऐड कैंपेन रन करनी है तो वो कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि हमारा SEO से कंसर्न है और SEO के लिए हमें पहले दो कॉलम चाहिए, जिसमें पहला कॉलम कीवर्ड्स का है और दूसरा कॉलम सर्चेज का है। तो हम इन दो कॉलम्स के ऊपर इस डेटा को यूज़ करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कितने लोग हैं, वो कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और हमें उस कीवर्ड को कैसे यूटिलाइज करना है अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए।